हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अज आप इस वीडियो दे विच गल करांगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दी न्यू रिक्रूटमेंट दे बारे। सो इहदे विच काफ़ी सारिया पोस्टां हैगियां वा, उहदे वास्ते स्टडी अपने कोले ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहीदी आ, ते बाकी अलग अलग पोस्टां दे हिसाब दे नाल वी इह जिहड़ी कि क्वालिफिकेशन रखी हुई है, उह तुहानूं अगे दस दूंगा किहड़ी किहड़ी पोस्ट दे लई तुहाडे कोले किहड़ी किहड़ी क्वालिफिकेशन होनी चाहीदी। अगे मैं तुहानूं इस वीडियो दे विच शो कर दांगा। तो फॉर्म किदा मोबाइल तो अपलाई करने आप सारा कुछ इस वीडियो देखा। सो फार्म भरन तो पहला एक बार आप शॉर्ट ओवरव्यू कर लें, ठीक है। एलिजिबिलिटी चैक कर लें, फीस वगैरह किन्नी किन्नी हैगी आ। तो जे पोस्टा की गल करते हैं, टोटल 342 पोस्टा ने यह। तो सैलरी थोड़ी पोस्टा के हिसाब के ना ही होनी, जिदा कि पोस्टा होनी हिसाब ना ही थोड़ी सैलरी होगी। तो अपलाई करने की लास्ट डेट हैगी 4 सितंबर तक तुम ये पोस्टा अपलाई कर सकते हो। तो एग्जाम डेट हजे कोई भी मैनशन नहीं की हैगी। तो जे आप फीस की गल करिए जनरल ओबीसी एंड ईडबल्यूएस वास्ते हैगी 1000 रुपीज़, एंड जेडे कि एससी एसटी फीमेल कैंडीडेट हैगी फिजिकली हैंडीकैप हैगी उन्हां वास्ते कोई भी फीस नहीं हैगी। तो जेडे जनरल ओबीसी कैंडीडेट हैगे उन्होंने 1000 रुपया पे करना, तुसीं उह ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो जे आप एज लिमिट की गल करते हैं, इतने पोस्ट नेम साइड पर मैनशन किया हुआ, जिदा कि जूनियर असिस्टेंट की एज लिमिट हैगी मैक्सीम एज हैगी 30 ईयरस, सीनियर असिस्टेंट की हैगी 30 ईयरस, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की हैगी 27 ईयरस। बाकी तुम्हें पता वा भी एस सी वास्ते अलग एज रिलैक्सेशन हों, तो ओबीसी वास्ते भी अलग हों, जिदा कि एस सी वास्ते 5 साल का हों, तो तकरीबन ओबीसी वास्ते 3 साल का हों। तो इतने थले पोस्टा मैनशन कीतिया हुई वा, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस दिया पोस्टा है वा 9, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स दिया पोस्टा भी 9 ही, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर दिया 237 पोस्टा, टोटल यह है 342 पोस्टा। बाकी जी पोस्टा तो इतने चैकआउट कर सकते हो। तो जे हम आप करिए गल करिए एलिजिबिलिटी की, जूनियर असिस्टेंट वास्ते ग्रेजुएशन चाहिए आ, तो सीनियर असिस्टेंट वास्ते चाहिए वा यगी अकाउंट्स की यह पोस्ट हैगी, बी कॉम कंप्लीट होनी चाहिए, को 2 ईयरस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वा। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर वास्ते कोई भी डिग्री हो सकती आ। तो जे तुसी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट अपलाई करनी है फाइनेंस की, तुहाडे कोले बी कॉम होनी चाहिए आ, ते नाल तुहाडे कोले ICWA यह एक कोर्स हुंदा तुहाडे कोले, जां MBA कीती होवे 2 साल का ड्यूरेशन उहदा होना चाहिए वा, ते तुहानू एक्सपीरियंस भी इहदे विच होना चाहिए वा। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के भी तुहानू सेम ही, ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए तुहाडी इंजीनियरिंग के, टेक्निकल इन फायर इंजीनियरिंग, जां तुहाडे कोल मकैनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जां फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तुहाडे कोल होनी चाहिए आ, इन्हां डिग्री के विचों तुहाडे कोल एक डिग्री होनी चाहिए आ। अगे भी हैगी है प्रोफेशनल डिग्री तुहाडे कोल होनी चाहिए है जूनियर एग्जीक्यूटिव वास्ते 3 साल का, तुहाडे कोल आफ्टर ग्रैजुएशन तुहाडे कोल एक्सपीरियंस होना चाहिए वा आफ्टर ग्रैजुएशन, तो 5 साल का इंटीग्रेटेड रेगूलर कोर्स आफ्टर प्लस टू, एंड कैंडीडेट शुड बी एलिजिबल टू गैट हिमसैल्फ इनरोल्ड एज एन एडवोकेट इन वार काउंसिल ऑफ इंडिया टू डू प्रैक्टिस इन कोर्ट इन इंडिया। मतलब कि तुहाडे कोल एक्सपीरियंस भी ये कंपलसरी रख्या होया, वे चीज़ का तुम ध्यान रख लियो। उस तो बाद जो आप पे स्केल की गल करते हैं, इतने तुम देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव वास्ते 40,000 स्टार्टिंग हैगी, बाकी सारे जिते मैनशन किया है तुम एक बार चैकआउट कर लियो। तो चलो हुण आपां मेन मुद्दे ते आउने आ, जिहड़ा फार्म तुसीं किवें अपलाई करने आ। उपर एक इत्थे हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन मैनशन किया है, तुसीं इहनूं हैंड दे नाल राइट करके ते अपलोड भी करना, इत्थे अपना जिद्दां आई लिखिया है तो उसदा अपना नाम मैनशन करके रिक्वायर्ड तक थले लिखांगे, ते इह तुसीं इहदी फोटो खिच के मोबाइल दे विच ही तुसीं अपलोड कर देने। मैं तुहानूं दस्सूंगा किवें करनी अगे। उस तो बाद आपां करदे हां इत्थे AI अपलाई लिंक ते क्लिक करांगे। तो जे तुसीं इहदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन चैक करना नीचे कर सकते हो, तो ऑफिशियल वैबसाइट भी इतने मैनशन की हुई है, लिंक सारे तुहाडे कोल इतने प्रोवाइड किए हुए, तुसीं किसी भी लिंक पर क्लिक करके चैकआउट कर सकते हो। चलो आप AI अपलाई लिंक पर क्लिक करांगे। पोस्टां किवें अपलाई करनी तुहानूं मैं दस दवा। तो वीडियो शुरू करने तो पहला जिहड़े भी वीर अपने इस चैनल पर नवे आया, सारों पहला चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लियो, एंड जिहड़ा नाल बैल आइकन आ रहा वा उन्हें जरूर प्रेस कर दिया करो, तो कि अगे आप जिहड़ी भी नवी अपडेट लैके आईए उसका जिहड़ा नोटिफिकेशन आ सारों पहला तुहाडे कोल आ सके। सो वीडियो शुरू करते हैं। सारों पहला आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना वा। उस तो बाद अपना इतने फस्ट नेम मैनशन करना वा,
तो उस तो बाद आप इतने नीचे भी अपना कन्फर्म फस्ट नेम से भी अपना फस्ट नेम मैनशन करना। उस तो बाद जो किसी का मिडल नेम हैगा इतने तुम फिल कर सकते हो, नहीं ब्लैंक छड़ दे। उस तो बाद आप इतने लास्ट नेम से अपना जो लास्ट नेम वो इतने मैनशन करा, तो नीचे भी कन्फर्म करा लास्ट नेम, तो जो फुल नेम इतने मैनशन हो के आजूगा। तो इतने अपना मोबाइल नंबर फिल करना वा, तो नीचे अपना मोबाइल नंबर कन्फर्म कर देना। उस तो बाद अपना जे थोड़े को यानी अदर नंबर हैगा तो इतने मैनशन कर सकते हो। तो नीचे इतने अपनी मेल आई डी फिल करनी है, मेल आई डी किदा फिल करनी तुम मैं दस दिना वा। जिदा कि तुम इतने देख सकते हो आप सिर्फ इतने तक ही यह मेल आई डी अपनी फिल करनी है। उस तो बाद जिहड़ा कि डोमेन नेम्स आ तुम इतों सिलेक्ट कर सकते हो, जिदा कि gmail.com इतों आप सिलेक्ट कर लेना वा। तो जिहड़ा कन्फर्म ईमेल आई डी है इतने तुम अपनी फुल मेल आई डी इतने मैनशन करोगे। नीचे तुम इतने कैप्चा फिल कर देना वा, कैप्चा फिल करके इतों नीचे सेव एंड नैक्सट पर क्लिक कर देंगे। अपनी डिटेल एक बार जरूर चेकआउट कर लिया क्योंकि उस तो बाद यह चेंज नहीं होनी हैगी। तो इतने अपने को रजिस्ट्रेशन अपन नंबर मिल जाता, उस तो बाद आप फोटो एंड सिग्नेचर तुम इतने अपलोड करने हैं, जिन्ह का साइज तुम इतने देख सकते हो 20 KB तो लैके 50 KB के फोटो का साइज होना चाहिए वा। तो जिहड़ा कि 10 to 20 KB के साइन का साइज होना चाहिए वा। साइज किवें बनाना उस वास्ते अलग एक वीडियो बनाई हुई है, उसका जिहड़ा लिंक है तुहानू डिस्क्रिप्शन च मिल जूगा, उत्थों जाके चैकआउट कर सकते हो जे किसी नूं साइज बनाउण दे विच कोई प्रॉब्लम आउंदी है। तो उस तो बाद आपां इत्थों इहनूं नैक्सट कर देंगे। आफ्टर दैट आपां इत्थे पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी जिहड़ी तुसीं पोस्ट अप्लाई करनी आ। तो मैं तुहानूं पहलां दस्सता वा स्टडी उहदे वास्ते की चाहिए, एक बार जरूर चैकआउट कर लिओ। उस तो बाद अपनी कैटागरी सिलेक्ट कर लेनी आ, उस तो बाद अपना डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर सकते हो। जे तुहाडी डिसेबिलिटी हैगी आ तां यस करके अपनी कैटागरी सिलेक्ट कर लिओ, जे तुहानूं कोई भी डिसेबिलिटी नहीं हैगी तुसीं इत्थों डायरैक्टली इहनूं नो भी कर सकते हो। ये अपने को सारी कैटागरी आ जाए, तो जी कैटागरी अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो उस तो बाद आप इतने नीचे आ जाएंगे, सारिया देखो ऑप्शन ये सारिया डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आ रही, जो अब तुम यस करोगे तो नीचे सारा कुछ ही ओपन हो जाएगा, तो आप यस न अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो उस तो बाद इतने भी डिसेबिलिटी वास्ते ही है, ठीक है, ये वाली ऑप्शन भी तुम इन यस न अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उस तो बाद आप इतने नीचे आवेंगे, जे तुम एक सर्विसमैन हैगी तो इतों यस कर सकते हो, नहीं डायरेक्टली नो कर दौ। उस तो बाद अपने को इतने ऑप्शन आ रही है आरजू एंड इंडियन नैशनल, इतने आप यस करा। तो हैव यू सक्सैसफुली कंप्लीट वन ईयर अप्रेंटशिप इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इतों तुम नो कर सकते हो। जो तुम अप्रेंटशिप की है तो अं यस भी कर सकते हो, तो इस इतने भी आप नो कर देंगे, आप इंप्लाई नहीं है AII दे। उस तो बाद अपना इतने तुसीं कर लेना एग्जाम सेंटर चूज कर लेना, सारों पहला स्टेट अपनी सिलेक्ट करांगे, उस तो बाद सेंटर ऑफ एग्जामीनेस प्रैफरेंस 1 देनी है। इदा करके आप 3 प्रैफरेंस दे सकते हैं, इतने तुसीं सारों पहला स्टेट सिलेक्ट कर लेना, उस तो बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना वा। जिहड़ा तुहानूं अपने लागे लगता, ठीक है, तुसीं अपने अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हो, बट ये डिस्ट्रिक्ट तुहाडा अलग अलग चूज़ होणगे, 3 प्रैफरेंस तुसीं अलग अलग ही देनियां वा। तो उस तो बाद अपने कोल इत्थे ऑप्शन आ रही है डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे, अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना वा। उस तो बाद जे तुसीं जुड़वा भैन भरा हैगी तो तुसीं यस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग तुसीं नहीं हैगी तो नो कर दिओ। तो मैरिटल स्टेटस अपना सिलेक्ट कर लोगे, इतने फादर नेम मैनशन करना वा, तो नीचे तुसीं अपना इतने मदर नेम मैनशन कर देना वा। जे तुसीं मैरिड हैगे तुसीं अपना नीचे स्पाउस नेम मैनशन कर सकते हो। तो उस तो बाद अपने कोल इत्थे ऑप्शन आ जाती है प्रेजेंट एड्रैस की, मतलब कि कोरसपोंडेंस एड्रैस की, इतने तुसीं अपना जिथे तुसीं प्रेजेंट रह रहे हो अपना एड्रैस मैनशन करोगे, डिस्ट्रिक्ट इतने फिल कर लेना वा, स्टेट सिलेक्ट करोगे एंड पिन कोड फिल करोगे। जे तुहाडा परमानेंट एड्रैस एंड प्रेजेंट एड्रैस सेम हैगा तो नीचे तुसीं इत्थों क्लिक कर सकते हो, सेम एज एड्रैस फॉर कोरसपोंडेंस एड्रैस ते आपां क्लिक करांगे, ये तुहाडा ऑटोमैटिकली फिल हो जूगा। नीचे तुसीं की करना, इत्थे आ जाना वा, वैलीडेट यूअर डिटेल से क्लिक करोगे, इत्थे वेरीफाई सक्सैसफुली हो गया वा, इत्थों आप ओके कर देंगे। जे कोई कमी पेशी रहिंदी होई तां तुहानूं इह वार्निंग दे दूगा, तुसीं इहनूं क्लीयर भी करना वा। उस तो बाद आपां इत्थे नीचे आ जाएंगे, नीचे आके इहनूं सेव एंड नैक्सट ते क्लिक करांगे। तो उस तो बाद तुसीं सारों पहलां इत्थे अपनी
टेंथ की इनफॉर्मेशन मैनशन करोगे। डिग्री दे विच तुसीं इत्थे अपना टेंथ क्लास लिख सकते हो, जिदा कि तुसीं एस एस सी भी लिख सकते हो। तो डेट ऑफ पासिंग दी जे सिलेक्ट कर लेनी आ, तुसीं कि साल दे विच पास आउट की है टेंथ क्लास। उस तो बाद अपनी इत्थे परसेंटेज मैनशन करोगे। आफ्टर दैट नीचे आवेंगे, इतने अपना ट्वेल्थ की मार्कशीट तुसीं इस फिल करनी आ। अदर ये आप सिलेक्ट करके इतने तुसीं एच एस सी भी सिलेक्ट कर सकते हो। उस तो बाद आप इतने डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट कर लेंगे। तो नीचे अगे आप इतने परसेंटेज मैनशन करनी आ। उस तो बाद अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल तुसीं फिल करोगे, तुसी केड़ी डिग्री पास आउट की तुसी इहदे च सिलेक्ट कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग तुसी इह सिलेक्ट कर लेनी आ। सेम उस तो बाद तुसी डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट कर लेनी आ। तो उस तो बाद अपने कोल ऑप्शन आ रही है परसेंटेज की, उस तो बाद अपनी जिहड़ी परसेंटेज सिलेक्ट कर लेनी आ। तो उस तो बाद अपने कोल इत्थे ऑप्शन आ रही है ग्रेजुएशन बंद दे विच, जे तुसी कोई एक्सट्रा क्वालिफिकेशन की हुई है तुसी इहदे च ऐड कर सकते हो अदर ते क्लिक करके। तो उस तो बाद जे तुसीं पी जी कोर्स किया होया वा, जां तुसीं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है कोई, जां कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तुसीं इहदे च मैनशन कर सकते हो। बाकी जिहड़ी तुसीं अपना जिहड़ी तुहाडी पोस्ट दे अकॉर्डिंग तुसीं अपनी ये जिहड़ी कि डिग्री है सिलेक्ट कर लेनी है। उस तो बाद जे तुहाडे कोल एक्सपीरियंस हैगा इत्थे तुसीं येस नूं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उस तो बाद अपने कोल इत्थे ऑप्शन आ जांदी है फॉर्म प्रीव्यू दी, एक बार फॉर्म नूं चैकआउट कर लेंगे। जे तुहानूं कोई लगता कोई गलती वगैरह हुई तुसीं चैकआउट कर सकते हो, नहीं तुसीं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ते क्लिक करके थोके कर देंगे। तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ते क्लिक करने के बाद तुसीं इहदे च कुछ भी दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैगे। तो उस तो बाद अपने कोल इत्थे लैफ्ट थंब तुसीं अपलोड कर लेना वा, तुसीं स्कैन करके रख लियो पहले ही। तो जिहड़ा तुहानूं मैं हैंड रिटन डिकलेरेशन दस्सिया सीगा तुसीं उह हैंड दे नाल राइट करके इहदे च स्कैन करके अपलोड कर लेना वा। उस तो बाद इहदे सिक्योरिटी कोड आपां मैनशन करांगे, तो सिक्योरिटी कोड फिल करन तों बाद तुसीं इत्थे सेव एंड नैक्सट ते क्लिक करोगे। तो फॉर्म का प्रिव्यू अपने कोल इत्थे आ जांदा, तुसीं एक बार फॉर्म नूं चैकआउट जरूर कर लियो, ठीक है। तो उस तो बाद प्रिंट एप्लीकेशन ते आपां क्लिक कर लेना वा। तो जिहड़ा कि फॉर्म का प्रिंट तुसीं कढ के रख सकते हो, जां तुसीं उहदी पीडीएफ भी सेव करके रख सकते हो। तो जे तुसीं कैटागरी जनरल जां फिर ओबीसी दे नाल अप्लाई करोगे तुहाडी फीस भी जरूर लगेगी, ठीक है। तो फॉर्म सबमिट होने तो पहले तुसीं इहदी फीस भी पे कर लेनी है। फीस पे का होने तो बाद तुहाडा जिहड़ा फॉर्म सक्सैसफुली मन्निया जाऊगा। तो जदों तुसीं इहदा पीडीएफ सेव करके रख ली, जदों इहदा तुहानूं एग्जाम रिजल्ट वगैरह, ठीक है, जदों भी उहदा आऊगा तुसीं एप्लीकेशन नंबर भर के अपना जिहड़ा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो तकरीबन इनफॉर्मेशन मैं सारी इस वीडियो प्रोवाइड करवाती आ। जे कोई इनफॉर्मेशन रह गई है तुसीं मैनूं कमेंट करके पुछ सकते हो, तो जां तुसीं मैनूं व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पुछ सकते हो। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाया हुआ वा। जे तुसीं स्पैशल फॉर्म अपने तो भरवाना चाहते हो तुसीं मैनूं व्हाट्सएप पर मैसेज भी जस्ट छड्ड सकते हो। तो उम्मीद है तुहानूं अपनी यह अपडेट जरूर पसंद आई होगी। जे वीडियो वधिया लगी है तां वीडियो नूं लाइक जरूर कर दिओ, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो, एंड जिहड़ा नाल बैल आइकन आ रहा वा उहनूं जरूर प्रेस कर दिया करो, तां कि अगे आपां जिहड़ी भी नवीं अपडेट लैके आईए उहदा जिहड़ा नोटिफिकेशन आ सारों नूं पहलां तुहाडे कोल आ सके। ओके, थैंक यू गाइज़।